मॉर्निंग स्टूडेंट। सभी को पता है कि आज हम इलेक्ट्रिकल क्लास में सेकेंड ईयर का कॉन्सेप्ट चालू कर रहे हैं। आप अभी तक फर्स्ट ईयर में जितना भी पढ़े हो वो अपना बेसिक था। तो बेसिक में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी में अपना अल्टरनेटिंग करंट क्या है, बैटरी के तौर पर डीसी करंट का क्या काम हो रहा है, ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है। तो आप अभी एक साल का अपना सिलेबस कंप्लीट करके जब सेकेंड ईयर में आ रहे हो तो अपने को सेकेंड ईयर के इसमें टॉपिक में सबसे पहले ध्यान रखना है कि अपने को पूरा मशीनरी भाग अभी पढ़ने को मिलेगा, जिसमें अपनी एसी मशीन, डीसी मशीन, अल्टरनेटर, जनरेटर, अल्टरनेटर जिसे कहते हैं वो, सिंक्रोनस मोटर, ये सारी तरह की मशीनें अपने को यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। लेकिन सभी मशीनें का कॉन्सेप्ट जो होता है वो कॉन्सेप्ट कॉमन होता है। कॉमन होने की क्या, इसमें जो भी घूमने वाला भाग होता है या फिर जो स्थिर भाग होता है दोनों में एक प्रतिक्रिया या फिर इस तरह की एक्शन होती है जिसकी तरह से वहां पे एक तो इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है या फिर हमारा मैकेनिकल एनर्जी। जैसा कि हमको पता है कि अगर मशीन है, अगर हम उसको मोटर बोलते हैं तो मोटर में हमको क्या मिलेगा, सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी, और अगर जनरेटर होगा तो उसमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन जनरेटर में भी हमारे दो तरह के प्रकार है। पहला प्रकार है एसी जनरेटर जिसको हम अल्टरनेटर कहते हैं, और दूसरा प्रकार है डीसी जनरेटर। तो ये जनरेटर, मोटर, ये दोनों में हमको पता करना है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज हम सेकेंड ईयर का पहला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा रोटेटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन, यानी किस कॉन्सेप्ट के ऊपर अपनी मशीन चल रही है, यही हमें यहाँ पे देखना है। तो हमें ये मशीन में देखने से पहले सबसे पहले इतना ध्यान रखना है कि हमारी जो मशीन है, हमारी मशीन में अगर मैग्नेट नहीं होगा तो हमारी मशीन चलेगी नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमें किसी भी चीज को अगर चलाना है तो वहां पे एक प्राइमरी एनर्जी चाहिए। प्राइमरी एनर्जी अगर वहां पे रहेगी तो ही हम उसको क्या करेंगे, दूसरे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी के बेस पे जब हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी में मैग्नेट होगा, यानी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का वहां पे यूज करेंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसी के तौर के ऊपर हमारा मशीन रोटेट होगा। अब रोटेटिंग कॉन्सेप्ट हो रहा है तो रोटेटिंग कॉन्सेप्ट में हमें एक चीज याद रखनी है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो हमने ट्रांसफार्मर में पढ़ा है। ट्रांसफार्मर में हमने बताया क्या, फैराडेज लॉ जो बता रहा है वो दो इसमें बता रहा है, एक म्यूचुअल इंडक्शन और एक सेल्फ इंडक्शन। लेकिन हमें उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल पर, ठीक है अभी मैं इसको क्या भाग है मैं बताऊंगा नहीं, पहले आप पकड़ लेंगे कि ये कौन सी चीजें हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, इसमें हमारे दो ऐसे पार्ट ले रहे हैं जहां पे हमारा मैग्नेटिक मटेरियल यूज होगा, या फिर ऐसा बोल दीजिए जिसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होगी। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होने पर अगर इस पर मैं मैग्नेट घिसूंगा या फिर इसके बाद मैग्नेट रखूंगा तो ये चीज क्या हो जाएंगे, मैग्नेट पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी मेरे जो दो चीजें मैंने रखी है वो मेरा मैग्नेटिक मटेरियल है। अब मैग्नेटिक मटेरियल पे मेरे पास दो तरह के मैग्नेट है, जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर में मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ा है, हमें दो तरह के मैग्नेट पता चले, एक था हमारा परमानेंट मैग्नेट और दूसरा था हमारा टेंपरेरी मैग्नेट। टेंपरेरी मैग्नेट में हमारा था इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो वही इलेक्ट्रोमैग्नेट का हमें यहाँ पे यूज करना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते समय सबसे पहले क्या चाहिए, दो मटेरियल जो मैग्नेट है उसके ऊपर हम लगाएंगे कॉइल। कॉइल सबको पता है, कॉइल यानी कि क्या है, कॉइल यानी कि एक तरह का कंडक्टर है जो सुपर एनेमल कॉपर वायर से बनाया गया है। इसको मैंने दो भागों में जोड़ दिया, ठीक, ये पूरा एक सर्किट हो गया। अपने लैंग्वेज में क्या बोलेंगे इसको, सर्किट बोलेंगे। ये सर्किट में मैंने जब कॉइल कंडक्टर को लपेटा और कंडक्टर को लपेटने के बाद मैंने यहां से बैटरी का डीसी सोर्स जोड़ दिया। मैंने सोर्स कौन सा जोड़ा है, डीसी सोर्स जोड़ा। क्यों, क्योंकि मेरे को जो मैग्नेट चाहिए वो परमानेंट चाहिए, यानी कांस्टेंट वाला, उसकी जो कीमत है या फिर उसका जो एनर्जी है वो मेरे को कम ज्यादा नहीं होने को ना, या फिर जैसे मेरे को पता है वन टच मीटर और टू टच मीटर में मैग्नेट उतने समय के लिए ही बनता है जितने समय के लिए हम उसको घिसेंगे। सेम यहाँ पे इसका नाम पहले टेम्पररी मैग्नेट है, लेकिन हम इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं इसलिए क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट में जब मैं डीसी देता हूँ, ठीक, तो डीसी देने के बाद मेरा पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल जब मैं कंडक्टर को जोड़ता हूँ तो कंडक्टर में से मेरा डीसी पल्स पास होगा, यानी कि डीसी सोर्स कहाँ पे जाएगा,
बैटरी में डीसी सोर्स जाने के बाद ये कॉइल है। अब हमने सबने फर्स्ट ईयर में सबने क्या पढ़ा, सोलेनोइड टेस्ट पढ़े। सोलेनोइड टेस्ट क्या कर रहा था, सोलेनोइड टेस्ट हमें बता रहा था अगर किसी कंडक्टर को किसी मटेरियल पे, सॉलिड मटेरियल पे, अगर आयरन वाले मटेरियल पे लपेटते हैं और उसको बैटरी का सोर्स देते हैं, यानी कोई सोर्स देते हैं, तो कॉइल के भीतर और कॉइल के बाहर क्या तैयार होगा, मैग्नेट तैयार हो रहा था। वही सोलेनोइड टेस्ट यहाँ पे मैंने क्या किया, बीच में पहले मटेरियल रखा, मटेरियल के ऊपर क्या बोलना कंडक्टर रख दिया। अब कंडक्टर कैसा है मेरा, ये इंसुलेटेड है, लेकिन कौन सा इंसुलेटेड है, कौन सा कंडक्टर बोला था मैंने, सुपर एनामल कॉपर वायर क्यों, इसके ऊपर वो कंडक्ट मटेरियल है जो एक वार्निश है, वार्निश होने से इसके अंदर का सेम मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर पास नहीं होंगे। जैसे बेयर कंडक्टर देखते हैं, बेयर कंडक्टर को अगर मैं छू लेता हूं तो मेरे को क्या लगेगा, शॉक लगेगा। लेकिन सुपर एनामल में हमें महसूस होता है कि इसके ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स है। जैसे आपने हेक्सा ब्लेड टेस्टर स्क्रूड्राइवर वहां पे लगा के देखा होगा तो वो क्या कर रहा था, चिपक रहा था। वो कब तक चिपकेगा, जब तक मेरा डीसी सोर्स चालू रहे। अब मैं कॉइल में सप्लाई देने के बाद ये कॉइल एक दिशा में घूम गई, बराबर इस तरह से लपेटी है, क्लॉकवाइज पकड़ लेते हैं, फिर दूसरा टर्मिनल इधर आया, ये हो गई रिवर्स। अब ये घुमाने का मेरा उद्देश्य क्या है, मेरे को मैग्नेट जब तैयार करता हूं तो मैग्नेट का एक ही पोल मेरे को काम करनी है, मेरे को क्या चाहिए, मैग्नेट के दोनों पोल चाहिए। क्योंकि मैग्नेट को परफेक्ट मैग्नेट किसको बोलते हैं, जिसके अंदर नॉर्थ और साउथ ये दो पोल रहेंगे, या फिर इसके तुम कितने भी पार्ट कर लो तो भी इसमें क्या रहेगा, बीच में नॉर्थ साउथ बनते जाएंगे, ये पोल मेरे बनते रहेंगे जितने भी पार्ट में मैं इसको डिवाइडेड करूं। अभी डिवाइडेड करने के प्रोसेस में मेरे को पता चला कि जब नॉर्थ के आगे साउथ आएगा या फिर साउथ के आगे नॉर्थ आएगा तभी मेरा मैग्नेट काम करेगा, यानी मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ को साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो होगा, यानी अपना पावर वहां पे ज्यादा दिखेगा। अब मैंने यहाँ पे इसको क्लॉकवाइज दिशा में, एक एंटी क्लॉकवाइज दिशा में लपेट दिया। अब मैं क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे दो पोल निकालता हूं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब मैं अगर कॉइल को क्लॉकवाइज तरीके से लपेटता हूं तो मेरा एस इस तरह से घूमेगा, इसका डायरेक्शन कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। और अगर एंटी क्लॉकवाइज लपेटता हूं तो मेरा वहां पे दूसरा पोल तैयार हो जाएगा, नॉर्थ पोल, बराबर, यानी एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ और साउथ में क्लॉकवाइज, ये मेरे दो पोल बन गए नॉर्थ और साउथ। ये किसके तौर पे बने हैं, जिस तरह से मैंने कॉइल लपेट दी। अब कॉइल लपेटने के बाद जब मेरा डीसी सप्लाई चालू है तो ये कॉइल में क्या हो गया, मैग्नेट हो गया, वही मैग्नेट के ऊपर मेरे मटेरियल में भी मैग्नेट तैयार हो गया, यानी जो मेरा पहले लोहे का मटेरियल था वो क्या बन गया, मैग्नेट बन गया। ये मैग्नेट में मेरा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी जिसको हम बोलते हैं चुंबकीय शक्ति, चुंबकीय शक्ति बोल सकते हैं, रेखाएं बोल सकते हैं, वो रेखाएं मेरी क्या हो जाएंगी, नॉर्थ टू साउथ में फ्लो, यानी इसमें क्या हो गया, मैग्नेट का पावर आ गया बीच में दोनों में। अब ये दोनों चीजें तो मेरी स्टेबल है, हिलेंगी नहीं जगह से। अब इसमें क्या कर दिया, अब मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को रोटेटिंग करना है, ठीक। अब मेरा ये पहला भाग जो है वो कौन सा है, फिक्स है, इसमें कुछ रोटेटिंग है क्या, मेरा सप्लाई भी कांस्टेंट है, जो पोल है वो भी मेरे फिक्स है, जो कॉइल है वो भी मेरी फिक्स है, तो यहाँ पे मेरा रोटेटिंग भाग कुछ भी नहीं है। अब मेरे को क्या करना, मैं यहाँ पे शॉर्ट सर्किटेड कंडक्टर रखता हूँ। कंडक्टर शॉर्ट सर्किटेड किसको बोलेंगे, जो पूरी तरह लपेटा है, जो पूरी तरह लपेटा है, जहां से आउटपुट निकलने का कोई मार्ग ना होगा उसको बोलेंगे शॉर्ट सर्किट। अपने इसमें शॉर्ट सर्किट यानी कि फेज डिफरेंस जब आपस में जुड़ते हैं वो, लेकिन शॉर्ट सर्किटेड कंडक्टर उसके अंदर की एनर्जी उसमें घूमेगी। इस तरह का एक गोल कंडक्टर मैंने इसके बीच में रख दिया, बराबर। अब क्या हो जाएगा, कंडक्टर रख दिया, यानी कंडक्टर क्या है मेरा, मैग्नेटिक मटेरियल है। कंडक्टर क्या है मेरा, मैग्नेटिक मटेरियल है। ये मटेरियल के तौर पर अगर मेरा मैग्नेटिक फोर्स ये कंडक्टर पे लग रहा है तो क्या होगा, एक्चुअली में ये कंडक्टर भी मैग्नेट के तौर पर काम करेगा, लेकिन ये काम कैसा करेगा, ये अब क्या करेगा, मैग्नेटिक बनेगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने कंडक्टर में स्थापित इलेक्ट्रॉन के द्वारा कट करने को बोलेगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स कट हो जाएगा किसके थ्रू, मैग्नेटिक फ्लक्स कट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के थ्रू। अब इलेक्ट्रॉन के थ्रू जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स कट हो गया, कट होने के बाद
वहां पे मेरा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक अपनी एनर्जी ले लेगा। अपनी एनर्जी किससे लेगा? वो मैग्नेटिक फ्लक्स से। क्यों? मैग्नेटिक फ्लक्स तो नॉर्थ साउथ कंटिन्यू जाएंगे, रुकेंगे क्या? नहीं, वो नहीं रुकने की वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन मेरा मैग्नेट बन जाएंगे, और वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा में फ्लो होने के लिए चालू हो जाएगा। अब ये यहां से एक पॉइंट से मैग्नेटिक फ्लक्स यहां तक, अब इसको मैं चार क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देता हूं। ठीक, चार क्वाड्रेंट में डिवाइड करने के बाद मैं इसको नाम कर देता हूं, ये पॉइंट दे देता हूं, ये मेरा 0 डिग्री, ये मेरा 90 डिग्री, ये मेरा 180 डिग्री, ये मेरा 360 और ये मेरा 360। अब अपन को समझ लेंगे कि साइकिल में कॉन्सेप्ट कैसे तैयार होती है। जैसा हमने अल्टरनेटिंग करंट को पता है कैसे तैयार होता है, अब मैं बोलता हूं कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है जीरो से स्टार्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन का है मेरा जीरो पे, मैग्नेटिक फ्लक्स सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स कहां पे कट होंगे, जीरो से 90 तक, और 90 से 180 तक, ये मेरा सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स उस डायरेक्शन में। अब जब मेरा इलेक्ट्रॉन जीरो से चालू होकर 90 तक आया तो मैंने पकड़ लिया ये मेरा जीरो, यहां से मेरा एनर्जी क्या होगी 90 तक, यहां पे मेरा इलेक्ट्रॉन फुल चार्ज हो गया, यानी इसको सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोवाइड हुआ। 90 के बाद वो क्या हो रहा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमने के तौर पर 90 से कहां तक आएगा, 180, या गया 180 तक, ये मेरी क्या होगी एक साइकिल होगी। ये साइकिल कौन सी मेरी, पॉजिटिव साइकिल। ये पॉजिटिव साइकिल होने के बाद मुझे पता चल रहा 180 के बाद मेरा रोटेशन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, 180 डिग्री के बाद मेरा रोटेशन डायरेक्शन क्या है, चेंज हो रहा है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स के अपोज में, जो मैग्नेटिक फ्लक्स के अपोज में, अपोज में होने की वजह से वहां पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे, उसको चार्ज नहीं होने देंगे, उसमें किसी तरह की एनर्जी को जनरेट नहीं होने देंगे। तो वहां पे मेरा क्या होगा, 180 से हो जाएगा नेगेटिव साइकिल में पहले जाएगा 270, यहां तक आ गया, यहां से वो क्या हो जाएगा 360। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज भी कर रहा है लेकिन उसके साथ वो बढ़ने की कोशिश भी करेगा, कौन, वो इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन मेरा 270 से 360 तक वापस आएगा। ये मेरी दूसरी साइकिल तैयार होगी, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एक साइकिल। यही प्रक्रिया मेरी कहां पे करेंगी, रोटेटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन में भी करेंगी। अब यहां पे जब मेरा कॉन्सेप्ट हो रहा है तो यहां पे मेरे को पता करना है कि मुझे फैराडेस लॉ जिस पर जैसा हमने पढ़ा था, मुझे तीन चीजें चाहिए, पहले मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा कंडक्टर, और तीसरी चीज है मेरे को घुमाने के लिए मैकेनिकल एनर्जी। किसको घुमाने मेरे को, कंडक्टर। अगर मैं कंडक्टर को नहीं घुमाऊंगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कट होंगे क्या, नहीं। तो मेरे को जब तक कंडक्टर को घुमाते रहूंगा सेम स्पीड में तब तक मेरा ईएमएफ जनरेट होता रहेगा। यही है फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेस लॉ क्या बोल रहा, अगर किसी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में एक शॉर्ट सर्किटेड कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में घुमाने पर उसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की दिशा पे ईएमएफ इंड्यूस होता है, यह मेरा फैराडेस लॉ। उसमें उसमें दो लॉ नियम बताया कि जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स कट करेगा, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स कट करेगा उतना मेरा ईएमएफ इंड्यूस होगा। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा, मेरे को कंडक्टर या फिर पोल पे पकड़ लेते मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में से एक रोटेटिंग और एक स्थिर है, दोनों रोटेटिंग होंगे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि कोई किसी को कट नहीं करेगा, दोनों स्थिर रहेंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, स्थिर रह जाएंगे क्या होगा, ये मैग्नेट है, ये मटेरियल है, ये अट्रैक्ट कर लेगा, पकड़ के रख देंगे एक्सेप्ट, अपने को ये नहीं करना। तो एक तो कंडक्टर यानी कि आर्मेचर या फिर फील्ड पोल, या फील्ड पोल में जो निर्माण है फील्ड फ्लक्स, ये दोनों में से इसको रोटेट करना है और एक को स्थिर करना है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है रोटेटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डीसी मशीन का। यहां तक सभी को समझ आया, किसी को कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है? चलो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे डीसी जनरेटर और डीसी मशीन किस तरह से काम कर रहे हैं।